अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इट्स निसार शिरपाव एंड फेंस माय प्रोफेशन। आवर टुडेज टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ डॉपलर इफेक्ट, चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 के लिए, जो कि नेक्स्ट आने वाले पेपर के लिए मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को इंतहाई एक्सप्लेनेशन के साथ पेश करूँ। तो डॉपलर इफेक्ट हमारा टॉपिक है, चैप्टर 8 से इसका ताल्लुक है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, पहले हम लिखेंगे इसका डिफिनीशन। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ द डॉपलर इफेक्ट? द अपेरेंट वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द relative motion of source of sound and the listener with respect to the medium, is called Doppler effect. तो अच्छा, द अपेरेंट वेरिएशन, ये एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आती है वो ज़ाहरी तौर पर रिलेटिव मोशन की वजह से या सोर्स मोशन में होता है या लिसनर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ वो है रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, मीडियम के लिहाज से। समझ आ रही है? ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इसमें डिफरेंट केसेस हैं। पहले हम एक केस लेंगे, वो है सबसे पहला केस, केस नंबर 1 के फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कैसे आ जाएगी। केस नंबर 1, सपोज़ यहाँ पे एक साउंड सोर्स है, यहाँ पे लिसनर है, ये लिसनर इधर खड़ा है। बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों जो है वो रेस्ट पे है, मोशन नहीं कर रही। तो जितनी वेव्स ये लिसनर रिसीव कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेव्स रिसीव कर रही हैं वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये वेव्स हैं, वेव्स ऑफ साउंड रिसीव कर रही, क्लियर। नंबर ऑफ वेव्स रिसीव, इज इक्वल टू एफ इंटू टी, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, ये है नंबर ऑफ वेव्स, राइट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह हम लिख सकते हैं वी टी बाय लेमडा, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो एफ इज इक्वल टू वी बाय लेमडा हमने पुट कर दिया। तो जब दोनों, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द साउंड, देन द फ्रीक्वेंसी हेयर बाय द लिसनर विल बी द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, देयर विल बी नो फ्लक्चुएशन, देयर विल बी नो वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, राइट। ये पहला केस है कि फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरा केस है हमारे पास, सपोज अगर ये लिसनर आगे बढ़ने लगता है सोर्स की तरफ, ये एक केस है, या अगर मूविंग अवे कर रहा है सोर्स से, ये दूसरा केस है। अभी चौथा जो तीसरा जो केस है हमारे पास, सोर्स मोशन कर रहा है। तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा, तो ये इस तरह क्वेश्चन आएगा कि डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन करें, और दूसरा जो पार्ट आएगा वो ये आएगा कि सोर्स मोशन में है इसको एक्सप्लेन करें, या लिसनर मोशन में है इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो हम लेंगे सबसे पहला केस, दूसरा केस के सोर्स एट रेस्ट, लिसनर इन मोशन।
राइट। तो केस नंबर सेकंड हमारे पास वो है केस नंबर सेकंड सोर्स एट रेस्ट एंड लिसनर इन मोशन। ये कैसे मान, लेट्स सपोज वही डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। ये सोर्स है, सोर्स बिल्कुल रेस्ट पे है, मोशन नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लिसनर है, सपोज ये लिसनर स्पीड वी एल के साथ बढ़ रहा है सोर्स की तरफ। अब देखिए, जो पहले ये नंबर ऑफ वेव्स रिसीव कर रहे थे रेस्ट पोजीशन में, अब ये नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि वेव्स भी आ रहे हैं, ये भी वेव्स की तरफ बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ वेव्स रिसीव्ड बाय द लिसनर विल बी इंक्रीज्ड। और ये कितने इंक्रीज हो जाएंगे, ये डिपेंड कर रहा है इस लिसनर के स्पीड पे कि कितनी स्पीड के साथ ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो और ये मैं डायग्रामेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करूँगा कि ये वेव्स तो ऑलरेडी उसी पोजीशन में भी रिसीव कर रही थी, लेकिन एडिशनल वेव्स जो ये पर सेकंड या पर यूनिट टाइम रिसीव कर रहा है वो है, हम इस तरह लिखेंगे कि एडिशनल वेव्स रिसीव्ड बाय द लिसनर is equal to O speed of the body VL into T divided by lambda। ये वाला इक्वेशन हमने एडिट कर दिया, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है, यहाँ पे हमने ले लिया स्पीड या वेलासिटी ऑफ द लिसनर, ठीक है। तो ये एडिशनल वेव्स है जो मोशन की वजह से ये एडिशनल वेव रिसीव कर रहे हैं। तो और ये वेव्स, ये जो वेव्स है वी टी बाय लैम्डा, ये तो ऑलरेडी जब वो रेस्ट में था तब भी वो ये वेव रिसीव कर रहा था। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ वेव्स है जो ये लिसनर रिसीव कर रहा है वो हमारे पास बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वो रिसीव कर रहा था और ये जो है वो एडिशनल वेव्स है। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स वी टी बाय लैम्डा प्लस वी एल टी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये एडिशनल यानी टोटल नंबर ऑफ वेव्स है। इससे जितना अच्छा, तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेव्स हम टाइम पे डिवाइड करेंगे तो ये एक न्यू फ्रीक्वेंसी होगी और यही फ्रीक्वेंसी ये लिसनर सुनेगा। क्लियर हुई बात? अच्छा देखिए, अब द न्यू फ्रीक्वेंसी The new frequency heard by the listener is a new frequency F dash is equal to total number of waves received divided by time taken। Clear? अच्छा, total number of waves क्या है, वो ये है हमारे पास VT divided by lambda plus VLT divided by lambda
होल डिवाइडेड बाय टी। क्लियर हुई बात? अब देखिए ये हम कॉमन ले सकते हैं इस तरह कि वी प्लस वी एल इंटू टी बाय लेमडा होल डिवाइडेड बाय टी। तो ये टी और ये टी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा v plus vl डिवाइडेड बाय लेमडा। क्लियर? लेमडा किस चीज के बराबर है? लेमडा इज इक्वल टू वी बाय एफ। यहां पे पुट कर दें तो न्यू फ्रीक्वेंसी एफ डैश विल बी इक्वल टू वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाय वी बाय एफ। ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाई वी एन टू एफ। एफ वो फ्रिक्वेंसी है जो दोनों रेस्ट में थे, देर वॉज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। और ये वो वाला फ्रिक्वेंसी है जो ये लिसनर आगे बढ़ रहा है और जो फ्रिक्वेंसी वो सुन रहा है। तो आवाज़ में देखिए क्लियर बात है कि फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ये स्पीड ऑफ साउंड है, ये भी स्पीड ऑफ साउंड है, ये स्पीड ऑफ द बॉडी है। तो क्लियर बात है कि एफ डैश जो ये वाला फ्रिक्वेंसी ये इस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तो आवाज़ की पिच जो है पिच इनक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम दिस यू कैन राइट लाइक दिस, एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। क्लियर? अब केस नंबर सेकंड, सॉरी नंबर थर्ड, इफ द लिसनर इज मूविंग अवे, अगर लिसनर मूव अवे कर रहा है, भाग रहा है सोर्स से, तो सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा कि हमारे पास इफ द लिसनर मूव्स अवे देन द न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी F dash is equal to V minus VL divided by V into F. Frequency की पिच कम हो जाएगी। क्लियर? तो ओवरऑल इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे? जब सोर्स रेस्ट में हो और लिसनर मोशन में हो, ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास? एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी एल डिवाइडेड बाय वी इनटू एफ। ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन है जब वो सोर्स रेस्ट में हो और लिसनर मोशन में हो। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है लिसनर एट रेस्ट एंड सोर्स एंड मोशन, वो हम लिखेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, केस नंबर फोर एट रेस्ट एंड सोर्स इन मोशन। अच्छा, अब
ये हमारे पास सोर्स है, ये वेलासिटी वी इसके साथ बढ़ रहा है और यहाँ पे जो लेसनर है वो अपनी ही जगह पे खड़ा है, उसके जो वेलासिटी थी पहले वो अब ज़ीरो है, रेस्ट पे है, आगे बढ़ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट जानने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जब ये आगे बढ़ रहा है, लेसनर आगे बढ़ता है तो नंबर ऑफ वेव्स रिसीविंग पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है, जबकि जब सोर्स आगे बढ़ता है तो इसका मतलब है कि सोर्स अपनी ही वेव्स को फॉलो कर रहा है, तो इट मींस कि वो वेव्स को कंप्रेस कर रहा है, वेवलेंथ को डिक्रीज करने जा रहा है, तो दोनों के इफेक्ट डिफरेंट होंगे। जबकि ये बात लाइट के लिए ऐसी नहीं होगी, क्योंकि उसमें तीसरा, इसमें देखिए तीन बातें होती है, एक लेसनर है, एक सोर्स है, तीसरा जो हमारे पास है वो मीडियम है। तो जब ये आगे बढ़ता है, सपोज़ ये जब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने से पहले सपोज़ ये मैं मिटा देता हूँ ये वाला पार्ट, जब रेस्ट में होता है तो सपोज़ वेव्स इस तरह होंगे, ये सपोज़ ये वेव्स हैं, ये वेव्स हैं इस तरह। जब ये आगे बढ़ने लगता है तो क्या हो जाता है, जब सपोज़ ये इधर पहुँचता है इस तरह, तो यही वेव्स है लेकिन ये कंप्रेस हो जाएंगे इस तरह। क्लियर हुई बात? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ लेमडा, ये ओरिजिनल वेवलेंथ है और ये मोशन की वजह से जो वेवलेंथ में चेंज आ गई, ये कंप्रेस्ड हुई, तो इसको हम डैश का नाम देते हैं क्योंकि ये कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, ये जो वेव्स है ये कंप्रेस हुई। अब जो इफेक्ट फ्रिक्वेंसी पे पड़ेगा या पिच पे पड़ेगा वो इस कंप्रेशन की वजह से पड़ेगी। तो हमारे पास जो न्यू फ्रिक्वेंसी है, न्यू फ्रिक्वेंसी या न्यू वेवलेंथ जो है, या ओवरऑल चेंज इन द वेवलेंथ, लेमडा इज इक्वल टू ओरिजिनल, ये शॉर्टेंड, एक मिनट, अच्छा, शॉर्टेंड वेवलेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल वेवलेंथ माइनस लेमडा डैश, ये जो शॉर्ट हुई वो है। अच्छा, तो लेमडा वी बाय एफ माइनस वी एस बाय एफ आ जाएगी। क्लियर? शॉर्टनिंग इन द वेवलेंथ इज इक्वल टू, यहां से एफ कॉमन ले ले, v माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एफ या एलसीएम ले लें। द न्यू फ्रीक्वेंसी हेयर बाय द लिसनर इज एफ डैश इज इक्वल टू वी बाय लेमडा शॉर्टनिंग, शॉर्टन वेवलेंथ, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, एफ डैश इज इक्वल टू वी बाय वी माइनस वी एस होल डिवाइडेड बाय एफ, तो ये एफ ऊपर आ जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू वी बाय वी माइनस वी एस इन टू एफ। ठीक है, ये जब सोर्स लिसनर की तरफ बढ़ेगी तो इट मींस वेवलेंथ कंप्रेस हो जाएगी। जब सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर तो वेव जो है वो उसमें स्ट्रेचिंग आ जाएगी, तो ये साइन प्लस हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो केस नंबर 5 जो है हमारा वो ये है कि इस दफा ये सोर्स इस तरह भाग रहा है इस डायरेक्शन में वेलासिटी वी एस के साथ, तो यही वेवलेंथ इस तरह हो जाएगी। तो अब इंक्रीज आ गई वेवलेंथ में,
लेमडा डैश, ठीक है। वेवलेंथ जो है वो स्ट्रेच हो गई, जब स्ट्रेच हो गई तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी, एफ डैश इज इक्वल टू वी बाई वी प्लस वी एस इन टू एफ, क्लियर। ओवरऑल इक्वेशन व्हेन द लिसनर इज एट रेस्ट एंड द सोर्स इज इन रिलेटिव मोशन, देन ओवरऑल इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ डैश या न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय वी प्लस माइनस वी एस इन टू एफ। ये प्लस किस चीज़ के लिए, जब सोर्स मूविंग अवे कर रहा हो। ये माइनस किस चीज़ के लिए, जब सोर्स मूविंग टुवर्ड द सोर्स। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।